एक्चुअल में क्या होता है कि लीक्वर्ड के कुछ मेनिस्कस होते हैं, लीक्वर्ड की शेप्स हैं। अब लीक्वर्ड की शेप्स का एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर को डाल दिया या किसी लीक्विड को डाला, चलो वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अब ये कंटेनर में अगर लीक्विड है या वाटर है, वो वाटर ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, ये देखो आपका ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों दिख रहा है ये? ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल था कोने में, उसको ये जो कंटेनर है उसका मॉलिक्यूल खींच रहा है कि तू मेरे पास आ जा, और वाटर के मॉलिक्यूल इसे वापस खींच रहे हैं कि तू मत जा, पानी पानी की फोर्स अलग है, पानी और बाल्टी की फोर्स अलग है। तो जो कंटेनर है वो कहता है मेरी तरफ आ जा, पानी कहता है मेरी तरफ आ जा, और कुछ लिक्विड में जो आपका वेसल है वो जीत जाता है, नेट फोर्स वेसल की तरफ चली जाती है, पानी पानी कमज़ोर हो जाता है। और ज़्यादातर लिक्विड में ऐसा ही होता है, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं आप एक बाल्टी में पानी डालें और बाल्टी को खाली कर दें, क्या बाल्टी गीली मिलेगी? हाँ गीली मिलेगी, गीली बाल्टी है तो गीली होने का मतलब वेट होती है, इसका मतलब बाल्टी में इतना दम है कि पानी को खींच सके, इसका मतलब है कि जो वेसल है उसके मॉलिक्यूलर फोर्स पानी को खींच पा रही है, और वाटर वाटर नहीं खींच पा रहा तभी वेट हो रही है। अब जब ये वेसल कंटेनर खींच रहे, जगह तो है नहीं, वो कह रहे हैं मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आएगा कहाँ, सारे के अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ खींचेगा तो थोड़ा सा ऊपर राइज हो जाएगा, तो ये जो कंटेनर के बाउंड्री के साथ मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाते हैं क्योंकि वेसल उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इसका मेनिस्कस हो जाता है। लेकिन अगर मैं सेम कंटेनर लूँ और उस कंटेनर में क्या डाल दूँ, मरकरी डाल दूँ, मरकरी तो किसी के हाथ आती नहीं है, मरकरी मरकरी की फोर्स ही बड़ी ज़बरदस्त है, बाल्टी पे चिपकती नहीं है, बाल्टी कहती है कि मेरी तरफ आ जा, मरकरी कहते हैं मैं नहीं जाती, तो बाकी मरकरी के मॉलिक्यूल इसको खींच लेते हैं और बस चले, तो ये भी टच ना हो मरकरी लाइन की बाउंड्री डाल के बैठ जाए हर तरफ से, वो पॉसिबल नहीं, बात अलग है, हवा में थोड़ा उड़ेगी मरकरी, बाहर तो नीचे बाल्टी पे आएगा। तो कहने का मतलब है मरकरी मरकरी की फोर्स इतनी ज़बरदस्त है कि वो इस बकेट के साथ चिपकना ही पसंद नहीं करती, तो मेनिस्कस ऐसा बनता है। और कभी कभी कंपटीशन इतना टाइट हो जाता है कि उधर से कंटेनर की फोर्स है, इधर से लिक्विड की फोर्स है, और वो बराबर हो जाती है ना इधर ना इधर, तो एकदम मेनिस्कस फ्लैट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिक्विड, आपने लिक्विड डाला कौन सा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इमेजिन करें ये कंटेनर तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर ये इसलिए फ्लैट है क्योंकि ये बकेट के कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, तो कॉर्नर बकेट के कॉन्टैक्ट में है। तो आप ऐसा करें, एक कैपलरी ट्यूब लें, एक कैपलरी ट्यूब के अंदर जो मेनिस्कस है कैसा दिखेगा, ये देखो ग्लास जो है वो पानी को खींचता है, तो ग्लास की वजह से टेढ़ा फिर टेढ़ा, फ्लैट होने की तो जगह ही नहीं क्योंकि कंटेनर की विड्थ ही नहीं है, पाइप की विड्थ ही नहीं है, पाइप है ही इतनी पतली कि ये वेसल से क्या हुई है, चिपकी हुई है। और अगर ये वेसल से हर तरफ चिपकी हुई है तो आपको बिल्कुल क्लियर मेनिस्कस ऐसा दिखता है इस केस में, तो ये डायग्राम ऐसा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेसल पतला है ना, ट्यूब पतली है, तो ग्लास ही ग्लास जो है बहुत कम पानी है, ग्लास ज्यादा है। और मरकरी को अगर इस ट्यूब में डाला जाए तो मरकरी ऐसी दिखती है, ठीक। और अगर आप किसी ऐसे लिक्विड को डालें उस डायग्राम को, वो तो फ्लैट ही दिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेनिस्कस है, ये शेप क्यों एक्वायर ऐसे की जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, यही रीजन है कि शेप चेंज हो जाती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?